नमस्कार, मैं हूं जेपी राजा। आप देख रहे हैं 4 in 1 भोजपुरी। दोस्तों, आपको बता दें, धनंजय धड़कन के और आरसीएम म्यूजिक का विवाद अब खत्म हो चुका है। धनंजय धड़कन का एग्रीमेंट अब आरसीएम से खत्म हो चुका है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि धनंजय धड़कन ने खुद अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर बताए थे। वो वीडियो आप सब 4 in 1 भोजपुरी के माध्यम से भी देखे थे। और आप सबको एक बात बताना चाहते हैं कि धनंजय धड़कन का एक सॉन्ग जो कि स्टार म्यूजिक वर्ल्ड के माध्यम से रिलीज हुआ था कल सुबह 6:15 पे, जिस सॉन्ग के टाइटल है बेकार बभाता। जी हाँ, ये सॉन्ग स्टार म्यूजिक वर्ल्ड के माध्यम से कल सुबह 6:15 पे रिलीज हुआ था। इस सॉन्ग को आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिए थे। दर्शकों ने, लोगों ने, धनंजय धड़कन के चाहने वाले सभी फैंस ने इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा प्यार दिए थे, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए थे। लेकिन फिर भी ये सॉन्ग को आज सुबह प्राइवेट कर दिया गया है। आखिर क्यों, वजह क्या है, आप सभी को बताते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि धनंजय धड़कन का 3 साल के एग्रीमेंट आरसीए म्यूजिक से खत्म हो गया है, लेकिन आरसीए म्यूजिक के मालिक राकेश सर का कहना है कि इनका एग्रीमेंट अभी दिसंबर के लास्ट तक है, यानी कि दिसंबर के लास्ट तक इनका एग्रीमेंट है। तो ये अभी मेरे ही कंपनी से गाए, दूसरा कोई कंपनी से अगर ये गाना गाएंगे तो उनको स्ट्राइक मारने की धमकी दी जा रही है, या फिर वो गाना को डिलीट करवा दे रहे हैं। वैसे ही एक सॉन्ग जो कि आप सभी को बताए हैं कि स्टार म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज हुआ था कल ही के डेट में, वो सॉन्ग को प्राइवेट कर दिया गया है किसी कारणवश। आप सब स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धनंजय धड़कन का जो सॉन्ग कल रिलीज हुआ था वो सॉन्ग अब प्राइवेट हो चुका है। और धनंजय धड़कन का भी गाना फिलहाल आज कोई भी गाना नहीं आया है किसी भी म्यूजिक से। और आप सबको बताना चाहते हैं कि ये भी स्क्रीनशॉट को आप सब देख लीजिए कि ये स्क्रीनशॉट में साफ साफ लिखा हुआ है कि धनंजय धड़कन एग्रीमेंट अब 3 साल के खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी इनको किसी भी कंपनी से गाने नहीं दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है, आखिर कारण क्या है। तो जितने भी धनंजय धड़कन के फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सब धनंजय धड़कन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों, आप सब स्क्रीनशॉट देखने के बाद, तमाम सबूत एनओसी भी मिल चुका है, ये सब चीज़ देखने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उनको किसी भी कंपनी से गाना नहीं गाने दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है, आखिर कारण क्या है। उनका एक ही कहना है कि उनका एग्रीमेंट अभी तक, राकेश सर आरसीए म्यूजिक के मालिक का कहना है कि उनका एग्रीमेंट अभी यानी कि दिसंबर तक है। लेकिन ये तमाम सबूत और स्क्रीनशॉट आप सब देख सकते हैं, इसको देखने के बाद आप सब खुद समझ गए होंगे कि उनका एग्रीमेंट 2 जून 2018 को 3 साल के लिए हुआ था। तो यानी कि 3 साल के लिए हुआ था, तो 2 जून 2021 यानी कि 3 साल खत्म, उनका एग्रीमेंट भी खत्म, ये धनंजय धड़कन का कहना है। और उन्होंने ये एनओसी अपने फेसबुक के माध्यम से भी शेयर किए हैं, आप सब देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनका एग्रीमेंट अब खत्म हो चुका है, वो अब किसी भी कंपनी से गा सकते हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, लेकिन उनका गाना जब रिलीज हो रहा है तो उनको गाना बजने नहीं दे रहे हैं, किसी कारणवश उस सॉन्ग को प्राइवेट या डिलीट करवाने दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी धनंजय धड़कन के फैंस हैं, लाइक करें, कमेंट करें अपने विचारों को और धनंजय धड़कन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। जी हाँ, फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें सबसे तेज व विश्वसनीय न्यूज चैनल 4 in 1 भोजपुरी के साथ। जय भोजपुरी।